सोने की जिम्मेदारी निभाते हो, हमारा सबका बाप, सारे पिछड़ों का बाप, सारे अछूतों का बाप, सारे आदिवासियों का बाप, महाराजा महासम्मत। क्या नाम बताया? महाराजा महासम्मत। श्रीलंका के दो ग्रंथ दीप वंश और महावंश पुकार पुकार कर कह रहे हैं, इस दुनिया का पहला राजा महासम्मत था और वो शाक्य था। महासम्मत था और वो शाक्य था। उससे 37 पीढ़ी बाद महाराजा ओकाक आए और उससे 17 पीढ़ी बाद शुद्धोदन आए और शुद्धोदन के बाद सिद्धार्थ आए जो बुद्ध बने। और आज के ये जो बुद्ध है इसी की कड़ी में, महाराजा बिंबसार की कड़ी में जो मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ और उसके 10 पराक्रमी राजा हुए और अंतिम राजा जो बहुत सफल राजा, बहुत पराक्रमी राजा, बहुत विद्वान राजा भरतरत्न मौर्य हुआ, उसका कत्ल किया गया। और उसका कत्ल उसके सेनापति ने किया जिसने पहले अपनी बहन दी, उसका विश्वास जीता, ब्राह्मण था, और फिर सलामी लेते हुए, सेना की सलामी लेते हुए ये जो परेड ग्राउंड है ना पटना का, इसी पटना के ग्राउंड में उसकी कमर में खंजर घोंप कर उसको मार दिया। और फिर ये शाक के लोग दोबारा सत्ता में ना आ जाए, दोबारा हमारी गर्दन तक इनका हाथ ना आ जाए। इन्हें अनेक जातियों में बांट दिया, नई जातियों का निर्माण किया गया। और क्या किया गया कि एक जाति दूसरी जाति से विवाह ना करे, एक जाति दूसरी जाति के साथ खान पान ना करे, इसलिए इनके बीच में रोटी बेटी का व्यवहार बंद कर दिया। कालांतर में इनमें दूरी बन गई, असंवाद आ गया, गलतफहमी आ गई, एक दूसरे के आपस में ठन गई और एक दूसरे के दुश्मन बन गए। उसी लानत को हम आज तक झेल रहे हैं। मगर ब्राह्मण ने क्या किया, अपनी जाति को कहा ये गोत्र है, मैं जिस गोत्र में मैं पैदा हुआ हूँ मैं उस गोत्र की बहन बेटी से शादी नहीं करूंगा, मैं दूसरे गोत्र में करूंगा, यानी कि दूसरी जाति में करूंगा। उसने अपना अंतर जातीय विवाह खोल दिया और हमारा अंतर जातीय विवाह बंद कर दिया। बड़ा अनर्थ हुआ। आज ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस अंतर जाति विवाह को आरंभ करें। ये जो भाई भंडारी जी गलत नहीं कहते, जब आप जाओ ना, अभी तो यहाँ साफ उत्तर भारत में एक बड़ी बीमारी है, राजस्थान में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में भी जाते हैं तो गोत्र पूछते, तेरा क्या गोत्र है? अब अगर आपको समाज को जगाने की वास्तव में पीड़ा है तो गोत्र पूछना बंद कर दो, जाति पूछो, और जिस जाति के हो उस जाति में शादी नहीं करोगे, दूसरी दलित जाति में, पिछड़ी जाति में शादी करोगे तो जाति ब्राह्मण नहीं तोड़ेगा, जाति ब्राह्मण को जाति के माध्यम से इलेक्शन जीतेगा। और अगर आपको इस देश का शासक बनना है तो जाति आपको तोड़नी पड़ेगी, आपके बच्चों का और बच्चों का अंतर जातीय विवाह हो, मगर उस अंतर जातीय विवाह करने वाली और करने वाले के दिमाग में पहले अपनी विरासत, अपना आंदोलन, अपनी राजनीति, अपनी धर्म नीति, अपनी संत नीति पहले स्थापित होनी चाहिए, अन्यथा वो अंतर जातीय विवाह बेकार है। जिसके घर में ब्राह्मण आ गए और से दबे पांव ब्राह्मणवाद आ गया, वो जाति हमारे अंतर्धर्म के काम की नहीं है। इसलिए जाति जब टूटेगी, जब हम जाति को खुद तोड़ेंगे, कहते यार जाति टूट नहीं रही, अपने आप जाति टूटेगी क्या? अपने आप तो तूफान आता है, अपने आप तो आंधी आती है, अपने आप तो जनहलन आता है, भूकंप आता है, समाज में परिवर्तन तो कुछ लोगों के प्रयास से आता है। आज वो प्रयास होना चाहिए। कोई और आप पर रहम नहीं करेगा, आप जाति के कारण ठगे जा रहे हैं तो आज भी तो जाति दूर करनी होगी, कोई दूसरा नहीं आएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।